और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। गांवों को शहर की तरह विकसित करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नहीं पहुंचे हैं, जिससे कुर्सियां खाली रहीं। इस दौरान सभी विधायक मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं नेताओं ने क्या कहा है। धर्म या संप्रदाय के नाम पर, मैं जाति धर्म या संप्रदाय के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगी। स्वच्छ पेयजल मिले, सभी लोग स्वस्थ रहे, मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, मेरी पंचायत के प्रत्येक गरीब पूर्व विधानसभा के परम सम्माननीय विधायक दाव साहब आज इस शपथ समारोह के अवसर पे उपस्थित हमारे कैसे काम करेंगे गरीबों की। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन के गाँव के विकास के लिए अच्छा काम करूंगी। और हमारे क्षेत्र और जी उनके लिए मैं अच्छी सड़क बनवाने का आप सबसे वादा करती हूँ कि गांव का मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा काम रहेगा। कभी मेरे स्वयं भी आदिवासी हैं और ज़्यादातर आदिवासियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसके लिए आगे क्या कदम उठाना है। मैं आदिवासियों के लिए बढ़ चढ़ के सरकार से निवेदन करके और सारी योजना लाऊंगी और अपने रीवा जिले में सभी योजना का लागू करवाने का काम करूँगी। बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में आज जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी का, उपाध्यक्ष प्रणव सिंह जी का और जिला पंचायत के जितने हमारे मेंबर्स हैं लगभग 30, उनका शपथ ग्रहण का समारोह बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। हम सब ने उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। रीवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी साथ ही साथ कंधे से कंधा मिला के प्रत्येक गाँव का विकास जिला पंचायत के माध्यम से ही होता है। इसलिए हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जिला पंचायत रीवा के माध्यम से एक एक गांव का सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले दिनों में हम रीवा ज़िले को मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का नंबर एक का जिला बनाने का जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।